Hi guys, welcome back to the new another vlog. तो इतने दिनों से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया बिकॉज मामा जो हमारे रिजल्ट हो रहे थे मामा के घर से बाहर आके पेपर हो रहे थे, पेपर ख़त्म हुए, उसके बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट में मेरी 5th पोजीशन आई है, हमने पास हो गए। मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। और अब है ईस्टर सुबह जुलूस पर हमने जाना है और अभी टाइम हो रहा है 12:30 और हम लोग अभी चाय पी रहे हैं। मैंने कपड़े शपड़े अपने सारे तैयार कर लिए। इस दफ़ा हमने कपड़े भी नहीं लिए क्योंकि घर के पापा के पास थोड़े पैसे नहीं है। क्या है ये चाय खत्म हो गई मेरी थोड़ी सी आए। और इधर ईमान मेरे पास है और अनुज मेरे ब्लॉग बना रहा है बिकॉज मैं चाय पी रही हूँ। और जो है ना अभी यहाँ पर बैठी हुई है और अभी हम लोग चले मामा लेटी हुई है। हम लोग अपनी नानों के घर आए हैं बिकॉज हम लोग अपनी नानों के साइड पर चढ़ जाते हैं। क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? नानों के साइड पर चढ़ जाते तो आपको साइड पे। हाँ तो हम लोग चर्च जब जाएंगे तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। और हेलो तो मेरे पास मेरा कजन था वो चला गया बाहर और अभी हम लोग बहुत खुश हो रहे हैं बिकॉज सुबह ईद है, ईस्टर है और कपड़े मैंने नहीं लिए। ईस्टर बताओ मनाते क्यों है? ईस्टर इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे 3rd दिन के बाद, इसलिए मनाया जाता है। और अभी जुलूस होगा 4 बजे तब भी हम आपके साथ मिलेंगे। नींद नहीं मुझे आ रही लेकिन हम थोड़ी कोशिश करेंगे थोड़ी देर सोने की। सुबह जब हम चढ़ जाएंगे तो फिर हमारे साथ ऐसे ऐसे होगा ऐसे। वाह क्या सीन है। तो हम लोग थोड़ी सोने की कोशिश करते हैं, मैं थोड़ी देर सो जाऊं। अगर मुझे नींद ना आई तो फिर मैं व्लॉग कंटिन्यू करूंगी लेकिन अभी मैं कोशिश कर रही हूं मुझे नींद आ जाए। 3 hours later तो गाइस हम लोग उठ चुके हैं, 3:30 हो गए हैं। 4 बजे अपने चर्च जाना है और मैं सोई भी इतनी लेट थी। मेरी आँखें भी रेड हो रही हैं, खुल रही नहीं थी, रही पानी डाल के खोल ली है। और अभी हम चर्च के लिए रेडी हो रहे हैं, रेडी होते हैं फिर आप सुनते हैं। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अपने चर्च, वहाँ जाकर फिर वहाँ से। सो गाइस वी आर एंटरिंग चर्च, अगर पता नहीं इंग्लिश में सही बोल रही है कि नहीं। तो हम लोग चर्च में आ चुके हैं और हम लोगों की कोई चर्च की इतनी बिल्डिंग नहीं है। टेंट में हमारी इबादत होती है, मैं आपको दिखाती हूँ। और इधर मेरे पास सुजाना है, केविन, अनुष, जोइना। गुड नाइट, सुबह हो गई है, 4:30 हो चुके हैं। अभी इबादत शुरू नहीं हुई, अभी लोग आ रहे हैं। जब इबादत शुरू होगी फिर हम आपसे मिलेंगे जी। बात थैंक यू। हम इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू जिंदा है और अपना अबाद तक जिंदा रहेगा। और खुदावंद तू एकादर मुतला खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरा शुक्र हो। हाय गाइस, ये देखिए मैंने कैंडल पकड़ ली है। और गाइस हम लोगों का प्रोग्राम बढ़ गया, हम लोगों का बैग ही गुम हो गया जिसमें कैमरे वगैरह थी और मुझे एक अंकल ने दे दी। किसको आ गया? मासूम फोन करके पहुंच अब हम लोग खाने वाले हैं और खा कर फिर आपसे खत्म हो गई और बहुत क्राउड हो रहा है यहाँ पर क्योंकि अब नाश्ता खुल गया लंगर खाना। तो अभी यहाँ पर चने पहले लिया है, जो जो हम लाएंगे वो आपसे खाएंगे। तो गाइस नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था, अब हम लोग आगे हैं घर। और अब मैं मिलूंगी आपको सुबह 10 बजे क्योंकि अभी मैं मामा को फ़ोन देने वाली हूँ और साथ हम कुछ गेम्स वगैरह खेलने वाले हैं। उधर हमारा प्रोग्राम बढ़ गया, हमारी जो कैंडल्स थी जिस बैग में वो बैग ही हमारा गुम हो गया, वो मिल ही नहीं था रहा हमें और हमारा सही जुलूस नहीं हुआ फिर। पर फिर भी हमें मज़ा आया बिकॉज मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ही पीछे पीछे थे। और गाइस मेरी मेहंदी कैसी लग रही है? मैं भी मज़ा आया था, बस
वो कैंडल्स नहीं थी, वैसे भी मैं मुझे एक अंकल ने कैंडल दे दी थी, मैंने पकड़ी नहीं थी, पकड़ ली थी लेकिन वो मेरे हाथ पे बार बार लग रही थी। आप भी लोग देखेंगे फिर आपको समझ आएगी। सो गाइस, सुबह फिर मैं उठी नहीं चर्च के लिए क्योंकि मामा जो हैं उन्होंने मुझे उठाया नहीं था, तो मैं चर्च नहीं गई। और फिर हम लोग कहीं घूमने भी नहीं गए, इसलिए मैंने कोई ईस्टर का व्लॉग नहीं बनाया, साथ मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। और वैसे ईस्टर की वीडियोस टिकटॉक वगैरह मैंने बनाए हैं, वो मैं आप अपलोड करूँगी, आप देखिएगा ज़रूर। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए टेक केयर, बाय बाय। Thank you.